हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं हूँ तान्या मुंजाल और बेटा आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। और भाई उस चैप्टर का जो नेम है बेटा वो है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चैप्टर में, बहुत बच्चों को ये मुश्किल लगता है चैप्टर। तो भाई आज समझते हैं, क्विक रिविजन करते हैं भाई इस चैप्टर की और देखते हैं भाई इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। यहीं पे हम समझेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, कुछ इसके इंपैक्ट्स पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन आ जाता है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहां से ना होर्ट्स के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार बेटा, होर्ट्स के क्वेश्चन। मैनेज फ्लोटिंग मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार या पांच नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है, तीन नंबर का भी कई बार बन जाता है क्वेश्चन। आगे हम समझेंगे डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन के बीच का डिफरेंस, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन का डिफरेंस। और लास्ट में हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। तो ठीक है जी, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। और भाई जो चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बेटा आपका फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे जो बेटा एक्सचेंज है ना, फॉरेन एक्सचेंज, उस फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी के बारे में हम बात करें, फॉरेन करेंसी। देखो भाई भारत की करेंसी को छोड़कर यानी रुपीस को छोड़कर जितनी भी बाहर की करेंसीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी कहते हैं या फिर फॉरेन एक्सचेंज बोल देते हैं। तो वही वाली बात हो रही है, इट रेफर्स टू द करेंसी ऑफ ए कंट्री अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी का मतलब है, डोमेस्टिक मतलब भारत, भारत की करेंसी को छोड़कर जितनी भी बाहर की करेंसीज है उसको हम क्या कह देते हैं, फॉरेन करेंसी। चाहे वो डॉलर है, चाहे वो पाउंड है, चाहे वो यूरो है, सारी की सारी क्या आपकी फॉरेन करेंसीज है या फॉरेन एक्सचेंज है। आगे देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट ये होता है कि आपको अगर बाहर की करेंसी को खरीदना है तो उसके बदले में आपको अपनी करेंसी से क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं, एक डॉलर 60 रुपए का है, इसका मतलब यह है कि भाई एक डॉलर खरीदने के लिए आपको अपनी कंट्री के 60 रुपए देने पड़ेंगे, 60 रुपीज देने पड़ेंगे तो ही आप क्या कर पाओगे, खरीद पाओगे। तो वही है फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। एक करेंसी को आप एक्सचेंज यानी एक करेंसी को आप तो ही खरीद पाओगे अगर आप अपनी करेंसी से उसको क्या करोगे, एक्सचेंज। एक डॉलर को तो ही खरीद पा रही हूँ अगर मैं उसको 60 रुपए दे रही हूँ, है ना, क्लियर है। तो यही वाली बात हो रही है, एग्जाम्पल ये देख लेना भाई, एक डॉलर 70 रुपए का तो दो डॉलर कितने हो गए, कितने के होंगे बेटा, 140 के होंगे। वही वाली बात है, अगर एक डॉलर 60 का है तो दो डॉलर कितने के होंगे, 120 रुपए के। आगे देखो भाई सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट बेसिकली तीन टाइप्स है जो हमें यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक होता है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो भी यानी फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर एक डॉलर 60 रुपए है, ये जो फाइंड आउट हुआ है ना, ये एक डॉलर 60 रुपए जो रेट डिसाइड हुआ है वो रेट डिसाइड कौन करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसको कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, दैट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, क्लियर है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है बेटा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज को डिसाइड किया जाता है बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहां डिमांड और सप्लाई कट कर जाए, जहां पे वो आ जाए, ये इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपका है इक्विलिब्रियम प्राइस, ये प्राइस ये रेट ऑफ एक्सचेंज को क्या कर देंगे, डिसाइड कर देंगे। यानी रेट ऑफ एक्सचेंज को डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहां डिमांड सप्लाई कट कर जाए वहां पे जो प्राइस निकले, रेट ऑफ एक्सचेंज निकले, उस रेट ऑफ एक्सचेंज को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। आगे नेक्स्ट है आपका मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है बेटा, मैनेज फ्लोटिंग में इन दोनों के ही फीचर्स होते हैं। इन दोनों के फीचर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम भी होता है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी सिस्टम भी होता है, यानी ये हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब क्या है, इसके अंदर मैनेज फ्लोटिंग के अंदर दोनों के फीचर्स होते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम भी और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी। पूरी डीपली पढ़ेंगे लेकिन वो थोड़ी सी आगे जाके पढ़ेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ एक नॉर्मल से रिवीजन बताई है यहाँ पे। आगे देखो भाई, अब है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, हमें पता है ये कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। इसके दो टाइप्स है, एक है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और एक आपका ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसको आप एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी बोलते हो। ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम नहीं करने वाले। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है, जहां पे
जहां पे फॉरेन करेंसी की वैल्यू को गोल्ड के फॉर्म में डिटरमिन किया जाता है, वैल्यू किया जाता है। अगर मैं बात करूं, $1 = 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, ये क्या है? फॉरेन करेंसी की वैल्यू को किस फॉर्म में मैं वैल्यू कर रही हूँ, किस फॉर्म में मैं डिटरमिन कर रही हूँ? गोल्ड की फॉर्म में कर रही हूँ। ये है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अगर $2 खरीदते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। क्लियर है इतना? आगे वो आपके सिलेबस में नहीं है। आगे देखो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसको पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, इसी को फ्री एक्सचेंज रेट बोलते हैं, इसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं, और इसी को हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे क्या किया जाता है, प्राइस को डिसाइड किया जाता है। ये रेट ऑफ एक्सचेंज यहां से निकला। अगर यहां मान लो 10, 20, 30, 40, 50, देख रहे हो, जहां डिमांड सप्लाई कट कर दे, यहां से निकलेगा कि भाई $1 का रेट कितना है? 50 रुपए। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे क्या किया जाता है बेटा? डिसाइड किया जाता है। आगे देखो भाई, अब कुछ इंपैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इस इंपैक्ट्स को समझने से पहले ना हम एक डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, फिर हम चलेंगे उस इंपैक्ट्स पे। आपका जो डिफरेंस है, पहला है आपका एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखो भाई, डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या है? भारत की करेंसी यानी रुपीज। डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या है? भारत की करेंसी। एप्रिसिएशन का मतलब क्या है? एप्रिसिएशन का मतलब आप खुद बताओ। एप्रिसिएशन का मतलब होता है फायदा का सौदा। फायदा कब है देश के लिए? जब $1 खरीदने के लिए पहले 60 रुपए दे रही थी, अब वही $1 खरीदने के लिए मैं 50 रुपए दे रही हूं। पहले $1 खरीदने के लिए जेब से 60 रुपए जा रहे थे, अब वही $1 खरीदने के लिए जेब से 50 रुपए जा रहे हैं। ये मेरे लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि मेरी जेब से कम पैसे जा रहे हैं। इसी को आप कहते हो एप्रिसिएशन, फायदा। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? नुकसान हो रहा है हमारे देश की करेंसी के लिए। यानी $1 खरीदने के लिए पहले 60 रुपए दे रही थी, अब वही $1 खरीदने के लिए मैं अब जेब से 70 रुपए निकाल रही हूं। पहले वही $1 खरीदने के लिए 60 रुपए जा रहे थे, अब वही $1 खरीदने के लिए 70 रुपए जा रहे हैं। ये क्या है? डेप्रिसिएशन, नुकसान हो रहा है। अब देखो सारा डिफरेंस इस पे। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, फॉल इन एक्सचेंज रेट। इट इज अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट। यहां पे देखो, पहले $1 खरीदने के लिए 60 रुपए दे रहे थे, वही $1 खरीदने के लिए 50 रुपए दे रहे हो। यानी लेस रुपीज आर नीडेड टू बाय $1। और वहीं देख लेते हैं, यहां पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, राइज इन एक्सचेंज रेट। यहां पे मोर रुपीज आर टू बी पेड फॉर बाय अ $1। पहले 60 रुपए जा रहे थे, अब कितने रुपए जा रहे हैं आपकी जेब से? 70 रुपए जा रहे हैं, वही सेम $1 को खरीदने के लिए। आगे देखो, एग्जाम्पल तो समझ ही लिया। $1 60 का था, वही $1 50 का हो गया। वही सेम 60 का था, वही $1 क्या हो गया? 70 रुपए हो गया। यानी ये तीन पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो गए, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अब यहां समझो, क्या कारण है कि एप्रिसिएशन की सिचुएशन आती है, और क्या कारण है, क्या कॉज है कि आपकी डिप्रिसिएशन की सिचुएशन आ रही है? सोचो क्या कारण है कि आपका रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो गया, क्यों आपका प्राइस कम हुआ, क्यों रेट कम हुआ? आप खुद सोचो, किसी भी चीज का प्राइस कब कम होता है? जब उसकी डिमांड नहीं होती तो भाई है, जब किसी चीज की डिमांड नहीं होती, यानी फॉरेन एक्सचेंज की जब डिमांड नहीं, यानी फॉरेन करेंसी की जब डिमांड नहीं हो, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? कम। जब उसकी सप्लाई ज्यादा हो, सप्लाई ज्यादा है और लोग खरीद नहीं रहे, इस केस में क्या हो जाती है? उसका प्राइस गिर जाता है। अब रेट कब बढ़ता है, किसी भी चीज का रेट कब बढ़ता है, प्राइस कब बढ़ता है, आप खुद बोलो। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई क्या हो, कम हो, इस केस में क्या होता है? रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पहले $1 खरीदने के लिए 60 रुपए दे रहे थे, अब वही $1 खरीदने के लिए 70 रुपए दे रहे हो आप। क्लियर है? आगे देखो, अब आ जाओ कुछ इंपैक्ट्स पे। ये चार इंपैक्ट्स है, फटाफट से देखो। पहला है इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। देखो भाई, हमें पता है इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड किया जाता है, जहां डिमांड डिमांड, जहां सप्लाई सप्लाई कट कर जाए, वो रेट ऑफ एक्सचेंज को डिसाइड होता है। ये क्या है आपकी क्वांटिटी, यहां लिख लेना पूरा का पूरा रेट ऑफ एक्सचेंज, यहां लिख लेना पूरी की पूरी क्वांटिटी। क्लियर है? वाई एक्सिस ओरिजन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजन, एक्स एक्सिस, ये लिख लेना। अब क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई भाई, D1 डिमांड बढ़ गई। तो आप देख रहे हो, ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया? बढ़ गया, और क्वांटिटी भी क्या होगी? बढ़ गई। देख रहे हो, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई। इंपैक्ट क्या शो कर रहे हो? इक्विलिब्रियम E से E1 हो गया, क्वांटिटी OQ से OQ1 जो है बढ़ गई आपकी, और रेट ऑफ एक्सचेंज भी OR से OR1 हो गया, OR से OR1 बढ़ गया। आप खुद बताओ, ये एप्रिसिएशन की सिचुएशन है कि डिप्रिसिएशन की सिचुएशन? अगर मैं ये बात करूं, ये 50 रुपए है और ये 60 रुपए, यानी अब
अब देखो $1 खरीदने के लिए पहले ₹50 दे रही थी, अब $1 खरीदने के लिए ₹60 दे रही हूँ। फायदे का सौदा है कि नुकसान का सौदा है? मैम नुकसान का सौदा है। क्यों नुकसान का? पहले वही डॉलर खरीदने के लिए ₹50 जेब से जा रहे थे, अब वही सेम डॉलर खरीदने के लिए ₹60 जेब से जा रहे हैं। नुकसान है, नुकसान मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्लियर है इतना? अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। लो जी कौन सा केस बताऊं? एक केस और समझाऊंगी, ये वाला समझा दूं, इंक्रीज इन सप्लाई। लो जी इंक्रीज इन सप्लाई समझ लेते हैं, चलो डिक्रीज इन सप्लाई समझ लेते हैं। एक इंक्रीज का केस समझते हैं, एक डिक्रीज का। ठीक है, ये डिमांड, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये सप्लाई, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सप्लाई को क्या कर रहे हैं हम? कम। सप्लाई होगी कम, S1 और S1 सप्लाई होगी कम। कहां पे अब कर रहे टच? ये वाला पॉइंट। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ? बढ़ गया। और क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी, है ना? तो आपका ये क्या हो गया? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इंपैक्ट क्या शो कर रहे हो? ई से E1, ओ ओरिजिन, ओ क्यू से ओ क्यू वन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ओ आर से ओ आर वन क्या हो रहा है? आपका बढ़ रहा है। ठीक है जी, अब आप मुझे बताओ ये कौन सी सिचुएशन है? एप्रिसिएशन की डिप्रिसिएशन। पहले ₹50 दे रही थी, अब ₹60 दे रही हूँ। मैम ये डिप्रिसिएशन है क्योंकि मेरे लिए नुकसान है, मेरी जेब से ज्यादा पैसे जा रहे हैं। क्लियर है? अब मैम एक और केस भी समझा दो यार। कोई नहीं बेटा, एक और केस भी समझ लेते हैं। मैं यही रेज कर रही हूँ और यहीं पर मैं समझा रही हूँ। एक केस और कौन सा समझाऊँ? सप्लाई का समझा दे। तो इंक्रीज इन सप्लाई, DD, SS, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सप्लाई बढ़ गई, S1 ही सीधी कर देना यार। लो जी सीधी कर दूं मैं, लो अब इरेज करूंगी तो झंझट हो जाएगा, बस सीधी कर देना लाइन। और आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ गया? ये आपकी डिमांड, ये सप्लाई, ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर है? लो जी अब इम्पैक्ट बताओ मुझे। ई से E1 ये ओरिजिन है, ओ क्यू से ओ क्यू वन बढ़ रहा है, ठीक है, ओ आर से ओ आर वन कम हो रहा है। और भी बताओ एप्रिसिएशन की सिचुएशन है कि डिप्रिसिएशन की सिचुएशन है? मैम पहले मैम ये ₹50 है, ये ₹60 है। मान लो पहले ₹60 दे रही थी, अब ₹50 दे रही हूँ क्योंकि देख रहे हो रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो गया। पहले $1 खरीदने के लिए ₹60 दे रही थी, अब $1 खरीदने के लिए ₹50 दे रही हूँ। मैम फायदे का सौदा है, जेब से कम पैसे जा रहे हैं, वही $1 खरीदने के लिए। मैम ये तो एप्रिसिएशन की सिचुएशन है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लो जी ये हो गया हमारा। अब आ जाओ, Why foreign exchange is demanded? क्यों foreign currency को आप demand करते हो? Components बताओ, क्यों आप foreign currency को खरीदते हो? तो सबसे पहला है repayment of international loan। मान लो बाहर की country से loan लिया था, अब loan को चुकाना है, जेब से पैसा जाना है, बाहर की country को loan चुकाना है, तो obviously उनकी currency में चुकाएंगे। तो उस case में आप foreign currency को क्या करते हो? Demand करते हो, क्योंकि आपके पास foreign currency होगी तो ही आप उनके loan को क्या कर पाओगे? चुका पाओगे। ठीक है, अब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाहर की कंट्री में मैम इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करना है तो पैसे चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, तो उस केस में आप क्या करते हो? फॉरेन करेंसी को डिमांड करते हो। इंपोर्ट, बाहर की कंट्री से कोई सामान खरीदा तो पैसा जाएगा, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में पैसा जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो आप उस केस में फॉरेन करेंसी की क्या करते हो? डिमांड करते हो, क्योंकि होगी तो ही तो पे कर पाओगे, वही वाली बात है। नेक्स्ट, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड। बाहर की कंट्री से कोई सामान खरीदा तो जेब से हमारे देश से पैसा जाएगा, यानी फॉरेन करेंसी की उस टाइम डिमांड करते हो, तो ही आप क्या कर पाओगे? उसको चुका पाओगे पैसे को। नेक्स्ट, ग्रांट्स और डोनेशन। बाहर की कंट्री में कुछ भी डोनेट करना है पैसा, है ना, कोई भी अननेचुरल कैलमिटी आ गई, कोई भी केस में अगर आपको डोनेट करना है पैसा, तो देश से पैसा जाएगा, तो फॉरेन करेंसी की उस टाइम आप क्या करते हो? डिमांड करते हो, तो ही आप चुका पाओगे, तो ही आप डोनेट कर पाओगे। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इनकम। यहां पे जो इनकम है ना, वो फैक्टर इनकम की बात करते हो। अगर आपको पता है फैक्टर इनकम, फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर। लिख देना भाई, लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेनर का प्रॉफिट। अब क्या है, किस केस में आप डिमांड करते हो? पेमेंट ऑफ इनकम मतलब आप पे कर रहे हो। मान लो किसी से आपने जमीन ली, बाहर की कंट्री से आपने जमीन ली, तो पैसा चुकाओगे ना रेंट की फॉर्म में, तो जेब से पैसा जाएगा, फॉरेन करेंसी को डिमांड करोगे ताकि उनको पे कर सको।
लेबर, लेबर का मतलब क्या है कि कोई बाहर का बंदा आपके आपके देश में आया एज अ लेबर की तरह काम करने, तो ऑब्वियसली अब उसको चुकाओगे। बाहर का बंदा हमारे देश में काम करने आ रहा है, आउटसोर्स किया हमने बाहर की कंट्री से, अब उसको चुकाएंगे वेजेस की फॉर्म में, तो पैसा जाएगा फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, पैसा जाएगा। यानी उस केस में आप क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो फॉरेन करेंसी की। कैपिटल, बाहर के बंदे ने पैसा लगाया तो इंटरेस्ट की फॉर्म में पैसा देना है हमें, देना है, यानी फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहे हो ताकि आप उसको चुका सको। एंटरप्रेनर, बाहर का बंदा हमारे देश में मैनेज करना है, बिजनेस चलाना है, तो उसको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए तो देश से पैसा जाएगा, यानी फॉरेन करेंसी की आप क्या कर रहे हो, डिमांड। नेक्स्ट, स्पेक्यूलेटिंग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, व्यापार करना, बाय और सेल। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, बाय और सेल। इसका मतलब है सस्ते में खरीदते हो और महंगे में बेच देते हो। आप क्या करते हो, कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेक्यूलेटिंग ट्रेडिंग करते, सट्टा लगाते हैं। अब मान लो डॉलर सस्ता हो गया, मान लो एक डॉलर था 50 रुपए का, सस्ता था, फटाफट से खरीद लिया, जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ गया, जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ गया, फटाफट से बेच के क्या कमा लिया, पैसा कमा लिया। उस केस में लोग क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी की यानी डॉलर्स की या कोई भी फॉरेन करेंसी की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, ताकि सस्ते में खरीदे और महंगे में बेच के क्या कमाए, प्रॉफिट कमाए। आगे देखते बेटा, नेक्स्ट है आपका, किस किस केस में आप फॉरेन करेंसी की सप्लाई करते हो, यानी हमारे देश में फॉरेन करेंसी, फॉरेन बाहर का पैसा कैसे आता है, हमारे देश में कैसे सप्लाई हो रही है, यानी हमारे देश में कैसे फॉरेन करेंसी आ रही है। पहला है एक्सपोर्ट, बाहर की कंट्री में सामान बेचा तो पैसा आया, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में पैसा आया। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की कंट्रीज ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करी, चाहे FDI की फॉर्म में, चाहे FII की फॉर्म में, देश में इन्वेस्टमेंट हुई, देश में पैसा आया फॉरेन करेंसी की फॉर्म में। यानी डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की कंट्री हमारा से सामान खरीद रही है तो देश में पैसा आ रहा है, फॉरेन करेंसी देश में आ रही है, यानी सप्लाई हुई फॉरेन करेंसी की हमारे देश में। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की कंट्री से लोन ले रहे हैं तो देश में पैसा आ रहा है, यानी फॉरेन करेंसी आ रही है। नेक्स्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की कंट्री ने हमारे देश में डोनेट किया, देश में पैसा है, यानी फॉरेन करेंसी आई। इनकम रिसीप्ट्स, वही देश में बात हो रही है, इनकम रिसीप्ट का मतलब क्या है, यहाँ देश में पैसा आ रहा है। मान लो आपने, ये होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, ये आपको पता है। मान लो लेट्स से आपने बाहर की कंट्री वाले आपकी जमीन यूज कर रहे हैं, तो अब आपको रेंट मिल रहा है, देश में रेंट की फॉर्म में पैसा आ रहा है। आप बाहर की कंट्री में लेबर की तरह काम कर रहे हो तो वेजेस की फॉर्म में पैसा है। आपने बाहर की कंट्री में कैपिटल लगाई तो इंटरेस्ट की फॉर्म में पैसा है। आपने एज ए एंटरप्रेनर की तरह काम किया तो प्रॉफिट की फॉर्म में पैसा है। यानी इस फॉर्म में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। रेमिटेंस बाय नॉन रेजिडेंट्स को बोलते हो आप NRI, बाहर के बंदे जो NRIs हो जाते हैं, है ना। हमारे देश से कितने लोग हैं जो कनाडा जाते हैं, वो क्या है, NRIs है, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि अब उनको बाहर की कंट्री की PR मिल गई, परमानेंट रेजिडेंट वहां के बन गए, तो वो हमारे देश के क्या है, वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सिंपल सी बात है। अब जो बाहर के नॉन रेजिडेंट्स हो गए, अब मान लो लेट्स से मेरे माँ बाप इंडिया में रहते थे, मैं इंडिया छोड़ के कनाडा में आ गई, अब मैं क्या हूँ, 5 साल हो गए मुझे, अब कनाडा की PR मिल गई, यानी मैं इंडिया की क्या हूँ, नॉन रेजिडेंट हूँ, अब इसकी रेजिडेंट बन गई, कनाडा की रेजिडेंट बन गई, अब मैं कनाडा में रह रही हूँ, मेरे माँ बाप क्या है, इंडिया में रह रहे, मेरे माँ और मेरी बाप क्या रह रहे, इंडिया में रह रहे, मेरे पेरेंट्स इंडिया में रह रहे। अब मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, कमा नहीं सकते, मैं कमा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, हर महीने अपने माँ बाप को पैसे पहुँचा रही हूँ, यानी वही बाहर बंदा बैठा हुआ अपने माँ बाप को पैसे पहुँचा रहे, देश में पैसा आ रहा है, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में पैसा। अब देखो भाई, डीवैल्यूएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, देखो भाई, डिप्रिसिएशन आपने समझ लिया मैम, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है एक डॉलर 50 का है, अब एक डॉलर हो गया 60 रुपए का, यही डिप्रिसिएशन की सिचुएशन है। डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हमारे देश के लिए नुकसान है, वही एक डॉलर खरीदने के लिए पहले जेब से 50 रुपए जा रहे थे, वही एक डॉलर खरीदने के लिए 60 रुपए जा रहे हैं, हमारे देश के लिए क्या नुकसान। डीवैल्यूएशन भी सेम ही सिचुएशन है, डीवैल्यूएशन भी सेम सिचुएशन है, एक डॉलर पहले 50 का था, वही एक डॉलर क्या हो गया, मान लो 60 रुपए का, सेम सिचुएशन है, बस फर्क क्या है डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में। डिप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो रहा है, जहां इसकी वजह से आपका रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ, बढ़ गया, क्लियर है। डीवैल्यूएशन क्या होता है, उसमें भी क्या हो रहा है, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इट इज डेलिबरेटली डन बाय गवर्नमेंट, ये जानबूझ के गवर्नमेंट कर रही है, और वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर हो रहा है। ये फर्क है आपका डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में। तो फटाफट से देखो भाई,
इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. फॉल क्यों बोला? क्योंकि वही पहले जेब से 50 रुपए जा रहे थे, अब 60 रुपए जा रहे. हमारे देश की वैल्यू कम होगी इंटरनेशनल मार्केट में. हमारे देश की वैल्यू कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया? 50 से 60 हो गया. पहले 50 रुपए जा रहे थे, अब 60 रुपए जा रहे. हमारे लिए क्या है? एक तरह से डिप्रिसिएशन, नुकसान वाली सिचुएशन है. लेकिन व्हेन इट्स डेलिबरेटली डन बाय द गवर्नमेंट, इट इज डेलिबरेटली डन बाय द गवर्नमेंट, तो वो क्या आपका डिवेल्यूशन. जब वो हो रहा है मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, वो क्या है आपका डेप्रिसिएशन. आगे इट कम्स अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता था? डन बाय द गवर्नमेंट. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता था? जब मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हो. तो ये क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर आता है. और वो किसके अंडर आता है? आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के. आगे देखो, इट इज डन. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्यों जानबूझ के 50 से 60? क्यों गवर्नमेंट जानबूझ के 50 से 60 कर रही है? ताकि उसके एक्सपोर्ट्स बढ़े, ताकि उसके एक्सपोर्ट्स बढ़े और FDIs बढ़े. देखो सीधी सी बात है, मेरा अब पहले क्या था? $1.50 का था. अब $1 क्या होगा? 60 रुपये होगा. अब मैं जब सामान बेच रही हूँ ना बाहर की कंट्री में, तो पहले 50 रुपये आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं? 60 रुपये आ रहे हैं एक्सपोर्ट्स. आप देख रहे हो, एक्सपोर्ट्स से अब आपको ज़्यादा मुनाफा हो रहा है. सामान बेच रही हूँ बाहर की कंट्री में, पहले 50 रुपये आ रहे थे देश में, अब कितने आ रहे हैं? 60 रुपये आ रहे हैं. तो यानी ये जानबूझ के कर रहे हैं ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े और FDIs बढ़े. FDIs का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. बाहर की कंट्रीज में जब अब देश में पैसा आएगा ना, बाहर के लोग जब हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, तो पहले 50 रुपए के हिसाब से आ रहे थे, अब कितने के हिसाब से आ रहे हैं आपके? 60 रुपए के हिसाब से आ रहे हैं. आपको फायदा होगा. जानबूझ के गवर्नमेंट कर रही है, जानबूझ के गवर्नमेंट अपनी कंट्री की वैल्यू को डीवैल्यूएट कर रहे हैं. ये मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर आता. वही है, ऑब्जेक्टिव तो सेम ही होता है, बट ये नेचुरल प्रोसेस है. नेचुरल फिनोमिना या नेचुरल प्रोसेस का मतलब क्या? ये नेचुरली हो रहा है मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे. गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं कर रही, लेकिन डीवैल्यूएशन में गवर्नमेंट जानबूझ के करती है. यहाँ पे देखो, डीवैल्यूएशन में ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट जानबूझ के कर रही है. तो गवर्नमेंट क्यों जानबूझ के करती है? ताकि देश को बचाया जा सके किसी भी एक्सटर्नल शॉक से या कोई भी इकोनॉमी के क्राइसिस से, देश में कोई नुकसान ना हो. इसलिए गवर्नमेंट जानबूझ के करेगी, क्योंकि देश की गवर्नमेंट देश का भला सोच के करेगी. ये क्या होता है? ये डिप्रिसिएशन से कई बार हमें एक्सटर्नल शॉक्स हो जाते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है, क्योंकि ये अपने आप हुआ है मार्केट फोर्सेज और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे. आगे देखो भाई, गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है. मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल नहीं है यहाँ पे. मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई का रोल है, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे. एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार कोई भी देश अगर अपनी कंट्री की वैल्यू को डीवैल्यूएट कर ले, डीवैल्यूएट का मतलब जानबूझ के अपनी कंट्री की वैल्यू को कम कर दे, तो उस केस में वो अपनी कंट्री की वैल्यू को वापस से नहीं बढ़ा सकता. अगर देश ने अपनी कंट्री की वैल्यू को डीवैल्यूएट कर दिया, यानी $1 पहले 50 का था, अब $1.60 का हो गया, तो वापस से वो अपनी कंट्री की वैल्यू को बढ़ा नहीं सकता. वो वाली सिचुएशन होती है डीवैल्यूएशन. ये अपने आप हुआ, ये नेचुरल हुआ मार्केट फोर्सेज और डिमांड एंड सप्लाई के. अगर एक बार डेप्रिसिएशन होगी, तो अपने आप ही उसकी वैल्यू एप्रिशिएट भी हो जाती है, बढ़ जाती है. क्लियर है? वो वाली बात हो रही है, समझे? ये क्या है? गवर्नमेंट करती है. ये क्या है? मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई की वजह से. लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी करेंसी की वैल्यू को जानबूझ के डीवैल्यूएट किया जाए, तो उसकी कंट्री की वैल्यू को बढ़ाया नहीं जा सकता. लेकिन इस केस में अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि नेचुरली हुआ है, तो वो नेचुरली बढ़ भी जाती है. जानबूझ के करी गई है, तो उसको बढ़ाया नहीं जा सकता. इंडिया में हो चुका है 1991 के केस में डीवैल्यूएशन. याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है. इंडिया में हो चुका है आपका, क्या हो चुका है? डीवैल्यूएशन हो चुका है. अब एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है. एप्रिसिएशन क्या होता है? $1.50 का है, अब $1.40 का हो गया, यानी फॉल इन एक्सचेंज रेट. फॉल इन एक्सचेंज रेट ये कौन करती है? मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे. रीवैल्यूएशन क्या होता है आपका? रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? कि आपका इम्पैक्ट सेम हो रहा है, 50 की जगह $1.40 हुआ, लेकिन इट इज डेलिबरेटली डन बाय द गवर्नमेंट. जानबूझ के गवर्नमेंट करी है सेम इम्पैक्ट डालना है. बट जो लास्ट वाला टॉपिक है ना बेटा, उसको अपोजिट हो जाएगा. बिल्कुल उल्टा लिखना है, बिल्कुल उल्टा लिखना है, बिल्कुल सेम है. क्वेश्चन जरूर कर लेना, पेपर में आ जाते हैं. नेक्स्ट क्या आपका? मैनेज फ्लोटिंग. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. इसी को आप डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं. क्यों डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं समझ लो. देखो भाई, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मिक्सचर है. फिक्स एक्सचेंज रेट में कौन डिसाइड करती थी? गवर्नमेंट करती है. और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में कौन किया जाता है? मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे क्या किया जाता है? डिसाइड. मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे क्या किया जाता है? डिसाइड किया जाता है, क्योंकि हाइब्रिड है. हाइब्रिड का मतलब दोनों के फीचर्स है. अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है. सबसे पहले जो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज है, वो
मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड होता है। मान लो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से निकला 70 रुपए, $1.70। अब आरबीआई और गवर्नमेंट को लगा कि ये रेट सही नहीं निकला, आरबीआई और गवर्नमेंट को लगा ये रेट सही नहीं निकला, तो उनकी कोशिश थी कि रेट होना चाहिए 60 के आसपास, 60 के आसपास होना चाहिए। अब वो कोशिश करेंगे, अभी तो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से निकला यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो। अब गवर्नमेंट जान मुझ के कोशिश कर रही है कि इस एक्सचेंज रेट को इसके क्लोजर लेके आए, क्लोजर लेके आए। अब देख रहे गवर्नमेंट छेड़छाड़ कर रही है, यानी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया। मान लो उन्होंने 62 रेट डिसाइड कर लिया, क्या हुआ यहाँ पे, पहले मार्केट फोर्सेज और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो रेट ऑफ एक्सचेंज सही नहीं है तो उसमें वो अपनी छेड़छाड़ कर देती है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कुछ ना कुछ इंटरफेयर करती है और कोशिश करती है कि ये एक्सचेंज रेट डिजायर एक्सचेंज रेट के क्या आ जाए, क्लोजर आ जाए। ये है आपका मैनेज फ्लोटिंग। पहले मार्केट फोर्सेस यानी फ्लेक्सिबल भी आया, गवर्नमेंट ने कर दिया तो यहां फिक्स भी आया, यानी दोनों के फीचर्स होते हैं इसमें। यही बेटा आपका है सिस्टम, एक बार रीड मार लेना, बिल्कुल इजी है। पेपर में यही कॉपी पेस्ट कर देना, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। पेपर में समझ नहीं आता ना लिखना कैसे, यही इसको डर्टी फ्लोटिंग। पता है क्यों बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग? इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट छेड़छाड़ कर रही है, इंटरफेयर कर रही है ना, रूल्स रेगुलेशन को तोड़ते हुए इंटरफेयर कर रही है, डर्टी गेम्स खेल रही है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, डर्टी फ्लोटिंग भी बोल देते हैं। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। मार्केट क्या होती है? जहां पे आप खरीदते हो या बेचते हो, बाय करते हो या सेल करते हो। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? करेंसी, फॉरेन करेंसी। जहां पे फॉरेन करेंसी को खरीदा जाता है या बेचा जाता है उसको आप क्या कहते हो? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब इसका कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, ऑनलाइन किया जाता है, ऑनलाइन खरीदी या तो बेची जाती है फॉरेन सिक्योरिटीज या फॉरेन करेंसीज को। अब इसके दो मेथड्स है, एक होता है आपका स्पॉट मार्केट और एक आता है आपका फॉरवर्ड मार्केट। देखो भाई स्पॉट मार्केट क्या होता है? स्पॉट मार्केट होता है जो आज रेट चल रहा है ना उसी रेट पे खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। मान लो आज रेट चल रहा है $1.60, तो इसी रेट पे या तो डॉलर को खरीदेंगे या इसी रेट पे डॉलर को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। स्पॉट मार्केट का मतलब एट द स्पॉट ऑफ टाइम, ऑन द स्पॉट खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, उसको आप कहते हो स्पॉट मार्केट। वही वाली बात है, जहां पे सिक्योरिटीज को, फॉरेन करेंसी को खरीदा या बेचा जाता है एट द स्पॉट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑन द स्पॉट खरीदा या तो बेचा जाता है, जो आज रेट चल रहा है उस रेट पे खरीदेंगे या तो बेचेंगे। क्लियर है? तो फीचर देख लो, इसको डेली बेसिस पे किया जाता है। डेली बेसिस पे जो रेट चलेगा, आज 50 रुपए, कल 60 रुपए, मान लो परसों 65 है, तो डेली बेस जो रोज का रेट है उसी रेट पे खरीदेंगे या तो बेचेंगे। आगे देखो, इसको हम स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऑन द स्पॉट खरीदा जाता है, ऑन द स्पॉट बेचा जाता है, जो रेट चल रहा है आज उसी रेट पे या तो खरीदेंगे या तो बेचेंगे। नेक्स्ट क्या आपका फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को बड़े ध्यान से समझो। मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, इसी को आप हेजिंग भी बोलते हो। मान लो ये है ए, ये है बी, ठीक है। ए को फॉरेन करेंसी खरीदनी थी बी से, ए को करेंसी खरीद डॉलर्स खरीदने थे बी से, लेकिन ए कहता है यार मेरे पास आज पैसे नहीं है खरीदने के लिए। ए कहता है मेरे पास आज पैसे नहीं है, उसने बी को बोला देख भाई मैं अगले महीने खरीदूंगा, मैं ना तेरे से फेब में खरीदूंगा। मान लो वो कहता है मैं तेरे से 1 फेब को खरीदूंगा, आज मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ए सोच रहा है यार अगले महीने खरीदूंगा, कहीं रेट तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं रेट तो नहीं बढ़ जाएगा। आज रेट चल रहा है 60 रुपए, उसको लग रहा है अगले महीने ना 70 रुपए हो जाएगा और मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा खरीदने पे। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। वो कहते हैं देख खरीदूंगा तो मैं फ्यूचर में खरीदूंगा, मैं फ्यूचर में। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब ये, फॉरवर्ड का मतलब फ्यूचर में खरीदा या बेचा जाता है फ्यूचर में, लेकिन किस प्राइस पे, जो आज डिसाइड किया जा रहा है। उसने बोला कि रेट आज चल रहा था 60 रुपए, उसको लग रहा था एक महीने के बाद 70 रुपए हो जाएगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में आया और उन्होंने डिसाइड किया देख भाई हम 65 में डीलिंग पक्का करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 65 का कि भाई फ्यूचर में मैं इस तारीख को तेरे से 65 रुपए में खरीदूंगा। इसने ए ने बोला और बी, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 65 रुपए में खरीदा और बेचा जाएगा ये 1 फेब को। तो ये क्या हुआ, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और दोनों ने डिसाइड किया कि जो भी खरीदा या बेचा जा रहा है फॉरेन करेंसी को, वो फ्यूचर में खरीदा जा रहा है, लेकिन किस प्राइस पे खरीदा जा रहा है, जो उन दोनों ने आज डिसाइड कर लिया। उसने क्यों डिसाइड करा आज, क्योंकि उसको लग रहा है कि फ्यूचर में रेट बढ़ जाएगा और मुझे नुकसान हो सकता है, इसलिए वो क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। क्लियर है? मान लो फ्यूचर में एक्चुअल में रेट 70 रुपए हो गया, फ्यूचर में एक्चुअल में रेट 70 रुपए हो गया, तो 5 रुपए का ए को क्या हो गया, फायदा हो गया। उसने 5 रुपए से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया लॉस से, उसने प्रोटेक्ट कर लिया 5 रुपए से अपने आप को लॉस से, और ए को गेन हो गया 5 रुपए का। क्यों, क्योंकि खरीदा 65 रुपए में और रेट क्या हो गया 70 रुपए।
अगर इफ इन केस फ्यूचर में रेट हो जाता है 62, फ्यूचर में रेट होता है 62, खरीदा कितने में, आज भी वो खरीदेगा किस में, 65 में, 3 रुपए का ए को क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्लियर है? तो ये क्या है, फॉरवर्ड मार्केट, जिसमें खरीदा बेचा तो फ्यूचर में जाता है बट उस प्राइस पे खरीदा जाता है या बेचा जाता है जो आज डिसाइड कर लिया, इसको आप कहते हो फॉरवर्ड मार्केट। पढ़ें, इट इज अ मार्केट वेयर सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज या फॉरेन करेंसी आर डन ऑन स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। खरीदा बेचा जाता है फ्यूचर में, लेकिन किस रेट पे खरीदा या बेचा जाएगा, जो आज डिसाइड करा, जो आज डिसाइड किया उस रेट पे खरीदा या तो बेचा जाएगा। आगे देखो, इट डज नॉट डील विद ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन। स्पॉट ट्रांजेक्शन होती नहीं, आज की बात होती नहीं, फ्यूचर में खरीदते हैं या फ्यूचर में बेचते हैं, आज वाला तो कोई सीन ही नहीं है। फ्यूचर रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है, इसी को फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। क्यों करी जाती है, ताकि अपने आप को बचा सके लॉसेस से या तो रिस्क। उसने कॉन्ट्रैक्ट कितने में था, 65 में, एक्चुअल में रेट हो गया मान लो 70 रुपए का, तो 5 रुपए का अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया लॉसेस से। दूसरा स्पेक्युलेटिव गेन, स्पेक्युलेटिव गेन का मतलब होता है फायदा हो गया उसके, 5 रुपए का उसको क्या हो गया, फायदा हो गया। गेन कमाने के लिए भी लोग करते हैं, सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना। अब 65 रुपए हो गया, 65 रुपए में खरीद लेगा, साथ के साथ क्या पता 70 में बेच भी दे, क्योंकि फ्यूचर में रेट क्या चल रहा है मार्केट में, 70 रुपए, तो स्पेक्युलेटिव गेन भी हो सकता है। क्लियर है? तो लो जी, आगे देखो फंक्शंस देखते फटाफट से। पहला है ट्रांसफर फंक्शन। अब इसमें क्या है, ट्रांसफर हो सकती है परचेसिंग पावर। ट्रांसफर और परचेसिंग पावर का मतलब क्या है, मान लो ये ए ने, ये बी है, ये सी है, ये सी है, बी ने पहले फॉरेन करेंसी को इससे खरीदा ए से, अब इसके बाद परचेसिंग पावर किसके पास आ गई, बी के पास। अब बी ने आगे सी को भेज दिया फॉरेन करेंसी, तो परचेसिंग पावर किसके पास ट्रांसफर होगी, सी के पास। सी ने आगे फॉरेन करेंसी डी को भेज दिया, तो परचेसिंग पावर किसके पास होगी ट्रांसफर, डी के पास। यानी परचेसिंग पावर को ट्रांसफर किया जा सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, इसको आप कहते हो ट्रांसफर फंक्शन। दूसरा क्रेडिट फंक्शन, अगर पैसे नहीं है तो धारा पे खरीदा या बेचा, खरीदा जा सकता है विद द यूज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज करके आप उधार पे खरीद सकते हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, फॉरेन करेंसी को उधारी पे खरीदा जा सकता है विद द यूज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर दोनों पार्टीज राजी है इस चीज के लिए, सेलर भी और बायर भी। हेजिंग, फॉरवर्ड मार्केट को ही आप हेजिंग बोलते हो, क्यों करते हैं, ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके रिस्क के, और दूसरा क्या है, स्पेक्युलेटिव गेन कमा सके, क्या कर सके, स्पेक्युलेटिव गेन कमा सके। ये दो कारण से आप क्या करते हो, हेजिंग फंक्शन करते हो। हेजिंग का मतलब फॉरवर्ड मार्केट में आया क्यों था, ताकि एक तो रिस्क से प्रोटेक्ट कर सके, दूसरा क्या था, स्पेक्युलेटिव गेन कमा सकते हो। लो जी, चैप्टर हुआ समाप्त। कोशिश करी थी छोटी वीडियो में आपको एक एक चीज समझा सकूं, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बस बेटा ऐसे ही अपना प्यार देते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।